हाय लीडर्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि मार्केट है, मार्केट की एक खासियत है, ये अपने ही तरीके से चलना चाहती है और लोग इसे अपने ही तरीके से चलाना चाहते हैं। हमने डिसीज़न लिया लास्ट मंथ क्लोजिंग नहीं करने का, लोगों ने डिसीज़न लिया करने का। दो फैसले थे, दोनों के अपने अपने और अपनी जगह पे बिल्कुल सही फैसले और वाजिब फैसले हैं। उनके फैसले हमारे फैसले भी सही हो सकते हैं, क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस को हर आदमी अपने नज़रिए से करने की कोशिश करता है और अपनी तरफ से उस बिजनेस को करने के लिए जो बेस्ट हो सकता है वो बेस्ट करता है। राइट, तो उन लोगों ने फैसला लिया उसे ऑपरेट करने का, हमने लिया नहीं करने का। बहुत सारे लोगों ने तरह तरह की बातें की, बहुत सारे लोगों ने बोला कि ऐसे नहीं होता है, वैसे होता है। कुछ लोगों ने बोला क्लोजिंग नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोगों ने बोला लॉजिस्टिक नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोगों ने बोला। तो ये आज की डेट में एक चीज़ क्लियर हो गया, और वो चीज़ ये क्लियर है कि जिन लोगों ने काम किया है चैलेंजेस उनको भी उतने ही आए हैं, और जिन्होंने नहीं किया एटलीस्ट वो चैलेंजेस से बचे रहे। लॉजिस्टिक शुरू हो गया है हल्का हल्का, एसेंशियल गुड्स का। एसेंशियल गुड्स के नाम पर हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। अब हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग ऑपरेशंस दोबारा से शुरू कर रहे हैं, और ऑपरेशन शुरू करने के बाद भी एक चीज़ बड़ा चैलेंज रहेगा। कल से ऑपरेशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक चैलेंज फिर भी बड़ा रहेगा। जहाँ पैनाडेमिक टाइम है और सबसे बड़ी चीज़ है, बहुत सारे एरियाज़ रेड जोन में हैं, बहुत सारे एरियाज़ कंटोनमेंट एरियाज़ में कर, तो कहीं पे समय पे हो सकता है गुड्स नहीं भी पहुँचे, कहीं पे समय पे भी पहुंच जाए। तो बहुत सारे अलग अलग एरियाज के अलग अलग चैलेंजेस रहेंगे, जिन चैलेंजेस को आगे चल के अब हमें क्रॉस करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो ये एक पेशेंस रिक्वायर्ड रहेगा, ये एक कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड रहेगा, ये कॉपरेशन रिक्वायर्ड रहेगा। हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि ऑपरेशन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ऑपरेशन हमारे कल से स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये महीना क्लोजिंग हम लोग करने वाले हैं, गेट रेडी। हम लोग 5 मई को क्लोजिंग करने जा रहे हैं, क्लोजिंग डेट 5 मई रहेगा। और दूसरी जो चीज़ हमने बड़ी की है, अब इसके बाद ओके लाइफ केयर में कभी भी लाइफ में 500 बिजनेस वॉल्यूम पर्सनल परचेज की कंडीशंस नहीं रहेगी, क्योंकि ये पता नहीं मुझे कितने दिन चलेगा ये माहौल, कितने टाइम चलेगा। तो हमने सबसे पहली जो डिसाइड किया, वो डिसाइड किया है कि 500 बिजनेस वॉल्यूम की कंडीशन हम लोग हटा देंगे। 500 बिजनेस, एक ही चीज़ हमारे यहाँ थी, 500 बिजनेस वॉल्यूम, 500 बिजनेस वॉल्यूम रिक्वायर्ड नहीं है अब हमारे ऑप्शन में। तो पहली चीज़ ये क्लियर हो जाती है कि हम लोग 500 बिजनेस वॉल्यूम की कंडीशंस हटाने जा रहे हैं, रिमूव करने जा रहे हैं। कोई भी अगर अपने 500 बिजनेस वॉल्यूम नहीं कर पाएगा तो उसको उसका पे आउट मिलेगा। पर्सनल सेल वो करे नहीं करे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये समय ऐसा है जहाँ पे हम जो अपने लीडर्स के लिए कर सकते हैं वो करेंगे। फ्यूचर में देखेंगे, फ्यूचर में क्या डिसीज़न लेना होगा, इसे वापस लाना है, नहीं लाना है या छोड़ना है, वो अलग चीज़ है। पर इस वक्त हम लोगों ने डिसाइड कर दिया है कि 500 बिजनेस वॉल्यूम अगले कुछ समय तक, या फिर हो सकता है परमानेंटली ही, अब ओके लाइफ केयर में कंपलसरी ना रहे। 500 बिजनेस वॉल्यूम की पर्सनल सेल हटाई जा रही है। राइट, ऑपरेशन स्टार्ट हैं, कल से आप लोग अपना काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, घरों से नहीं निकलना है आपको, अपनी पूरी केयर करनी है आपको, कहीं पे भी ट्रेवल नहीं करना है आपको, प्लान दिखाने नहीं जाना है आपको, मीटिंग करने नहीं जाना है। एसेंशियल्स गुड की जिनको ज़रूरत हो सिर्फ वही घर से निकलें, जब बहुत ज़रूरत हो तो ही घर से निकलें, वरना नहीं निकलें। बिजनेस को प्रायोरिटी ना दें, प्रायोरिटी इस वक्त अपनी सेफ्टी, अपनी कंट्री, फैमिली की, तो वो बहुत। इस वक्त मैं फिर एक चीज़ कह रहा हूँ, क्यों हम लोगों ने खोला है, क्योंकि इस वक्त देश में एसेंशियल गुड्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। अगर मैं बात करूँ सैनिटाइजर की, रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। अगर मैं बात करूँ आपके चाय, कुकिंग ऑयल, आपका साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, फेस वॉश, इनकी रिक्वायरमेंट एज इट इज़ है और प्रोडक्शन कम है, तो जिन लोगों के पास ये सरप्लस है उनको मार्केट में से मूव कराना चाहिए। अगर मैं बात कर रहा हूँ इम्यूनिटी बूस्टर, आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स, इनकी डिमांड बहुत है, क्योंकि तुलसी, गिलोय, जिंजर, पत्ते
काली मिर्च की हमारे पास टेबलेट है, हमारे पास हल्दी जिंजर की टेबलेट है, हमारे पास गिलोय है, हमारे पास बहुत सारे इम्यूनिटी बूस्टर, हमारे पास आई3 है, बहुत सारे इम्यूनिटी बूस्टर है। तो ऐसे समय में ये प्रोडक्ट जाने भी ज़रूरी हैं। जब बिल्कुल ही लॉजिस्टिक नहीं हो पा रहा था तब हम लोगों ने डिसाइड किया था कि ये नहीं करेंगे, पर नाउ वी हैव डिसाइडेड कि हम सप्लाई अगर पॉसिबल हुई तो हम लोग इस सप्लाई को चालू करेंगे। एंड वी हैव डिसाइडेड कि 500 बिजनेस वॉल्यूम की सेल आपको रिक्वायर्ड नहीं रहेगी। दूसरी जो चीज़ बड़ी मैं बात करने जा रहा हूँ वो है कि 900 रुपये की किसी भी प्रोडक्ट के साथ हैंड सैनिटाइज़र बिल्कुल फ्री रहेगा सिंगल बिलिंग पे। और अगर हम मल्टीपल बिलिंग करते हैं तो उसके लिए भी जो ऑफ़र होगा आपके पास, उसका आपकी वेबसाइट पे आपको ऑफ़र मिल जाएगा, क्या रहेगा, किस तरीके से रहेगा। तो ये दो चीज़ें जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस, फिर मैं एक चीज़ के लाइफ केयर का क्यों है, मैंने पिछले लाइव में भी बोला कि आने वाले समय में लोग प्राइस कॉन्शियस हो जाएंगे, आने वाले समय में जो अच्छा प्रोडक्ट, अच्छे लुक फील और रहेगा वो बड़ा हो जाएगा। और क्लोजिंग की डेट है, वो क्लोजिंग की डेट इस बार मंथ एंड नहीं होगा, इस बार 5th ऑफ मई क्लोजिंग रहेगी। 5th ऑफ मई को हम लोग क्लोजिंग करेंगे। तो अपनी अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही चलें, पर बिज़नेस के पीछे ना दौड़ें, अपनी सेफ्टी, अपनी उस चीज़ का ख्याल रखें, घर पे रहें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, बार बार अपने हाथों को धोएं, बाहर अगर किसी मजबूरी में निकलना भी पड़े, बाहर अगर किसी मजबूरी में निकलना भी पड़े तो मास्क जरूर लगाएं, अपने चेहरे को जरूर ढकें। सबसे बड़ी चीज़ है अपने हाथों को, अपने मुंह, नाक, कान पे, अपनी आँखों पे टच ना करें, आदत डालें। और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, लोगों से थोड़ा सा दूरी बना के रखें, एटलीस्ट 1 मीटर की ज़रूर, 3 फीट, 2 फीट, 2.5 फीट, 4 फीट, जो भी मैंडेटरी है गवर्नमेंट की तरफ से जो एडवाइजरी है उसको ज़रूर फॉलो करें। अगर दूध, दही, लस्सी कोशिश करें इस मौसम में ना लें, अगर लेना भी है दूध तो उसमें हल्दी ज़रूर डालें, आप थोड़ी बहुत पाइपरिन भी डाल सकते हैं। गवर्नमेंट ने आयुर्वेदा का काढ़ा यूज़ करने के लिए बताया है, उसको भी यूज़ करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी अपनी कंट्री की मदद करें, और कंट्री की एक ही मदद है इस वक्त, हम लोग अगर कोरोना की चेन को ब्रेक करने में कामयाब हो जाते हैं तो इससे बड़ी कोई कामयाबी हो नहीं सकती। अगर कुछ लोग कहते हैं कि 3 मई के बाद लॉकडाउन हट जाएगा, नहीं हटेगा, मुझे नहीं लगता ये इतना आसान डिसीजन रहेगा, गवर्नमेंट विल टेक दैट डिसीजन। मुझे लगता है कि आने वाले समय में अब चैलेंज कई महीनों तक बरकरार रहने वाला है, जब तक कोई मेडिसिन या वैक्सीन डेवलप नहीं हो जाती ये चैलेंज ज्यों का त्यों रहेगा। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ इस वक्त बहुत स्ट्रगलिंग फेज़ में होंगी, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करेंगी, और बहुत सारे लोग इस मौके का फ़ायदा उठा के एक दूसरे को, कुछ लोग होते हैं, कुछ लोगों को ये मतलब लेना देना नहीं है क्या चल रही है कुछ, या लोगों को घर पे रहना चाहिए, या आपको सेफ्टी मेजर्स का ख्याल रखना चाहिए, या इस वक्त एक होके लड़ना चाहिए। कुछ लोगों को अभी भी एक ही चीज़ समझ में आती है, वो ये है कि दूसरे को नीचा दिखाओ, अपना उल्लू सीधा करो, और भ्रांति, उस तरह की भ्रांति, मतलब लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि भैया ये एक ऐसा समय है जहाँ पे हमें यूनाइटेड होके लड़ना पड़ेगा। एक दूसरे को नीचा दिखाना बहुत आसान है, एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे की मदद करना बहुत मुश्किल है। तो इस दौर में एक अपने आप से कमिटमेंट करें, जो लोग बकवास करते हैं उन्हें करने दें, आप जितने लोगों की मदद कर सकते हैं मदद करें, किसी को आटा दे सकते हैं आटा दें, दाल, चावल, चीनी जो दे सकते हैं वो दीजिए, पीएम केयर्स में जो आप सपोर्ट कर सकते हैं वो कीजिए। इस वक्त यूनाइटेड होने का टाइम है, इस वक्त एक इंडियन कहलाने का टाइम है। इस वक्त आप ओके लाइफ केयर के डिस्ट्रीब्यूटर हैं या किसी अदर कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो आइडेंटिटी नहीं है, इस वक्त एक ही आइडेंटिटी होनी चाहिए, वो है इंडियन। और बहुत सारे लोग है ना अपनी व्यापारिक फ़ायदा उठाने के लिए बहुत गिर जाते हैं। तो मेरा मानना है कि ओके लाइफ केयर का कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं करेगा। ओके लाइफ केयर का डिस्ट्रीब्यूटर इस वक्त हर कंपनी को मान सम्मान देगा, हर कंपनी के लीडर्स की रिस्पेक्ट करेगा, और राजनीति में ना जाके एक दूसरे की मदद करो। वो किसी भी कंपनी का है, जो सपोर्ट कर सकते हो करो, जो आपसे हो सकता है करो, हाइजीन को मेंटेन करो, आप
के पास सैनिटाइज़र, जितने भी हमारे स्टोर्स हैं इंडिया में, जितने भी इंडिया में स्टोर्स हमारे बने हुए हैं, जितनी भी हमारी DPUC हैं, हर DPUC पे हमारे यहाँ से कम्प्लीमेंट्री मतलब ऑफ़र जो है वो अलग चीज़ है। हर DPUC पे कम्प्लीमेंट्री, जितनी भी हमारी DPUC हैं, हर DPUC पे कम्प्लीमेंट्री 100-100 सैनिटाइज़र हमारी तरफ से भेजे जाएंगे। एक भी पैसा उसका चार्ज नहीं किया जाएगा। और हमने हमारे सैनिटाइज़र के ऊपर बाकायदा लिखा है नॉट फॉर सेल, और MRP DP कुछ भी नहीं है वहाँ, नॉट फॉर सेल है। तो जितनी भी हमारी DPUC हैं, हर एक DPUC पे 100 हैंड सैनिटाइज़र, जितनी हमारी एक्टिव PUC हैं उन सब PUC पे हमारे 10-10 सैनिटाइज़र, और जितनी भी हमारी RPUC हैं उन सब पे हमारे 500-500 सैनिटाइज़र बिल्कुल फ्री जाएंगे। एक भी पैसा उसके लिए चार्ज नहीं किया जाएगा। एंड सबसे बड़ी चीज़, हम इन सब जगह पे मास्क भी भेजने वाले हैं, इन सब जगह पे ग्लव्स भी भेजने वाले हैं, और कोशिश करेंगे कि थोड़ी बहुत शील्ड भी भेजें, ताकि हम हमारे डिस्ट्रीब्यूटर तक उसे पहुंचा सकें, हम हमारे जो साथ काम करने वाले लोग हैं उनको हाइजीन मेंटेन करने की तरफ कर सकें। तो ये एक हमने डिसीजन लिया है कि हर एक DPUC पे, जितनी भी एक्टिव DPUC हैं हमारी, सब DPUC पे हमारी तरफ से सैनिटाइज़र जो मैंने बोला वो जाएंगे, और RPUC पे भी जाएंगे, और जितनी भी एक्टिव PUC हैं उन सब पे भी जाएंगे, और जितने हमारे मेजर लीडर्स हैं जहाँ पे भी हम लोग इफेक्टिवली पहुँचा पाए, वहाँ पर भी हम लोग हमारे सप्लाई चैनल के जरिए हैंड सैनिटाइज़र, ग्लव्स और मास्क पहुँचाने के लिए कमिटेड है। ये भी पूरे एरिया में हम लोग पहुंचाएंगे, और साथ ही साथ जितने भी लोग हमारे DPUC PUC पे काम करने वाले हैं उनके सेफ्टी मेजर्स के लिए और जो चीज़ें हो सकती हैं, वी विल ट्राई टू डिलीवर। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये कंट्रीब्यूशन है, ये PUC DPUC इनके लिए नहीं है, ये उनके लिए है कि वो आगे फ्री में दे पाएँ लोगों को, ताकि जो लोग ज़रूरतमंद हैं, जो लोग कुछ भी मजबूरी में सामान लेने निकले तो उनके पास सैनिटाइजर हो, उनके पास मास्क हो, उनके पास ग्लव्स हो। वी आर 100% प्रिपेयर्ड कि हम लोग करें, और हो सकता है इस के बाद भी हम ये चीज़ें करें, रिपीट भी करें। हमने सोचा है कि हम जो हमसे बन पड़ेगा, हम हर एक DPUC पे, RPUC पे, PUC पे, जितना कम ज़्यादा हमसे बन पड़ेगा हम मदद करेंगे, और वी विल नॉट चार्ज इवन ए सिंगल पेनी पेनी अगेंस्ट सैनिटाइजर, मास्क और ग्लव्स। और शील्ड भी पहुंची तो शील्ड के लिए भी हम कोई पैसा चार्ज करने वाले नहीं हैं। तो बाकी सबकी अपनी धारणा है, और मैं अपनी सब DPUC, RPUC या PUC से भी यही करूंगा कि जो लोग लगें कि ज़रूरतमंद हैं, जो लोग लगे कि ये खरीद नहीं सकते, जो लोग लगे कि इनके पास अवेलेबल नहीं है, उनको अवेलेबल कराएं। अगर हम एक होके लड़ेंगे तभी हम जीतेंगे, क्योंकि यहाँ पे दुश्मन जो है वो अदृश्य है, यहाँ पे दुश्मन जो है वो दिखाई नहीं देता है, पता ही नहीं चलता कब कहाँ किसके जरिए कहाँ तक पहुँच जाए। तो ऐसे में जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, ऐसे में जो हमने सोचा है, हम कोशिश करेंगे कि एक एक जगह जहाँ हमारा काम हो रहा है जितना मैक्सिमम हम पहुँचा सकें। ये मैंने बोला कि हम ये पहुँचाएंगे, इसके अलावा हम जितना मैक्सिमम पहुँचा सकेंगे, या कहीं पे हो सकता है कम भी पहुँचे, कहीं पे ज़्यादा भी पहुँचे, क्योंकि जो जो अवेलेबिलिटी होती चली जाएगी हम लोग उसको डिलीवर करते चले जाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यही चीज़ मैं आप लोगों से भी चाहता हूँ, जब आपके पास कैपेबिलिटी हो, जब आपके पास कैलिबर हो, तो PM केयर, आपकी स्टेट में कोई भी फंड है उसका जो भी केयर है उसमें जो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो कीजिए, जो आप लोगों की आपके आसपास, आपके पड़ोसी, आपके एरिया में जो लोग जिनके पास खाना नहीं है, कोई दूसरी स्टेट से आया हुआ है, मजदूर है, काम करने वाला है, किसी का रोजगार चला गया है, किसी की नौकरी चली गई है, तो कोशिश कीजिए उनकी जो मदद हो सके वो मदद हमारी तरफ से हो। और हाँ, यस, वी आर स्टार्टिंग अवर ऑपरेशंस, और ये ऑपरेशंस शुरू करने के पीछे रीज़न ये भी है कि हम सैनिटाइज़र भी हमारे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, हम मास्क भी हमारे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, हम ग्लव्स भी हमारे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाना चाहते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमने डिसाइड किया, तो क्लोजिंग हमारी 5 मई को है, और ऑपरेशंस हमने स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड होंगे, सिर्फ एसेंशियल गुड्स के हम लोग ऑपरेशन में यूज़ करेंगे। बेसिक जो हमारा
एसेंशियल आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स हैं वो चलेंगे, आपकी बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ हम एसेंशियल्स गुड में डील करेंगे, वो सारा नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। सो हमेशा फिर मैं बोल रहा हूँ, बिजनेस के पीछे नहीं भागना है, बिजनेस नहीं करना है, अपने आप को सेफ करना है, अपनी सोसाइटी को सेफ रखना है, अपनी कंट्री को सेफ रखना है, कोरोना की इस चेन को ब्रेक करना है, अपने सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करना है, हैंड वॉश करना है, हाथ नाक आँखों पे हाथ नहीं लगाना है, हैंड्स को सैनिटाइज करते रहना है, बार बार अपने हाथों को धोते रहना है, घर में कोई भी फल सब्जी या ला रहे हैं पहली चीज़ तो कोशिश कीजिए, अवॉइड कीजिए कि ये चीज़ें ना लाएं, अगर ला रहे हैं तो गर्म पानी के अंदर, अच्छे बिल्कुल अच्छे हॉट वाटर के अंदर, हॉट वाटर के अंदर नमक डाल के थोड़ा बहुत उसको वॉश करें, वॉश करने के बाद कुछ समय तक उसे घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा पानी में रहने दें, उसके बाद निकालें, साइड में रखें। कोई भी अगर आप पैक्ड कोई फूड लेके आ रहे हैं तो कोशिश किए ना कि आप वैरायटी ऑफ फूड के चक्कर में बाहर नहीं निकलें, बिजनेस के चक्कर में बाहर नहीं निकलें, पर फिर भी अगर आपको निकलना पड़े तो कोशिश करें उसको गर्म पानी के अंदर डिटर्जेंट या कुछ भी डिटॉल वगैरह मिक्स करके उन पैक्ड फूड पहले पैकेट्स को अच्छे से क्लीन कर लें, और फिर उन्हें यूज़ करने से पहले हर छोटे से छोटा सेफ्टी का ध्यान रखना है, अपने घर के दरवाजों को, हैंडल्स को, जहाँ जहाँ आपके टचिंग पॉइंट्स हैं उनको सैनिटाइज करते रहें, और एक चीज़ हमेशा याद रखें कि ह्यूमनिटी, इंसानियत, एक दूसरे का साथ देने में, इंसानियत एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ने में, इंसानियत किसी को नीचा दिखाने में नहीं है, किसी कंपनी को नीचा दिखाने में नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे बिकॉज ऑफ, क्योंकि हम लोगों के बारे में सोचते हैं, हम कस्टमर्स के बारे में सोचते हैं, हम हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में सोचते हैं, हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमारा प्राइस क्वालिटी और वो है, हम इसलिए आगे नहीं बढ़ेंगे कि किसी का कोई हमारे साथ आ जाएगा। मैं कहता हूँ डायरेक्ट सेलिंग का एक भी लीडर ओके लाइफ केयर के साथ नहीं आए तो 130 करोड़ ग्राहक हैं जिनके लिए हम प्रोडक्ट बनाते हैं, उनके प्राइस में, उनके अफोर्डेबल में, उनकी पॉकेट अलो जिन प्रोडक्ट्स को करती है, हम वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, हम लोग एक ऐसी कंपनी है जो ट्रेडिशनल मार्केट को कम्पीट करने आए हैं, तो कोई भी अगर अनाप शनाप आपके जहन में चल रहा है तो उसे निकाल दीजिए और सिर्फ कस्टमर ओरिएंटेड बातें कीजिए, कस्टमर पे फोकस कीजिए, किसी कंपनी के बारे में मैं कई बार बोल चुका हूँ बातें मत करो, किसी लीडर के बारे में बातें मत करो, कुछ नहीं रखा है, वो लोग हो सकता है इसी मानसिकता के साथ आगे बढ़ते हैं, उन्हें बढ़ने दो, क्योंकि उनका बढ़ना और हमारे बढ़ने में अंतर है, वो अलग थ्योरी के लोग हैं, हम अलग थ्योरी के लोग हैं, उनका प्रैक्टिकल अलग है, हमारा प्रैक्टिकल अलग है, उनकी इंटेंशन अलग है, हमारी इंटेंशन अलग है, उनका काम करने का तरीका अलग है, हमारा काम करने का तरीका अलग है, सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करो, वो है आपका कस्टमर, आपका कस्टमर, आपका कस्टमर, आपका डिस्ट्रीब्यूटर, आपका डिस्ट्रीब्यूटर, आपका डायरेक्ट सेलर, आपका डायरेक्ट सेलर, आपकी टीम, आपकी टीम, इनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए जी जान लगाओ, इनको सर्व करने के लिए जी जान लगाओ, इनको एजुकेट करने के लिए जी जान लगाओ, ओपन मीटिंग्स नहीं होने वाली हैं, सेमिनार्स नहीं होने वाला है, 1-to-1 मीटिंग्स पता नहीं कम होंगी, मैं फिर बोल रहा हूँ अपने आप को टेक फ्रेंडली बनाओ, अपने आप को जूम है, गो टू मीटिंग्स है, दुनिया भर के ई कॉमर्स पोर्टल्स हैं, व्हाट्सएप है, अपनी ट्रेनिंग्स को तैयार करो, अपने लोगों को ट्रेन करो, एजुकेट करो, और सबसे बड़ी एजुकेशन और अवेयरनेस फैलाओ कि भैया घर से बाहर नहीं निकलना है, बहुत ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर जाना है, और हम, मैं फिर एक चीज़ बोल रहा हूँ, इस टफ दौर के बावजूद, ऐसे कठोर डिसीजन लेने के बावजूद, लॉकडाउन को फॉलो करने के बावजूद, वी आर गोइंग टू बी द बेस्ट कंपनी इन इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जस्ट बिकॉज ऑफ आवर क्वालिटी, आवर इंटेंशन, आवर प्रोडक्ट, आवर प्राइसिंग, और हमें रोक पाना बहुत मुश्किल काम है किसी के लिए भी, क्योंकि हम जिस पिच पे हैं, क्योंकि हम जिस प्रोडक्ट रेंज पे हैं, क्योंकि हम जितना कस्टमर को कनेक्ट करते हैं उतना कस्टमर को कनेक्ट करना बहुत मुश्किल है, दूसरे लोगों का अपना एक कस्टमर बेस है, मेरा अपना एक कस्टमर बेस है, किसी और का अपना एक कस्टमर बेस है, अपने कस्टमर बेस को पहचानो, अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई करो, अपने कस्टमर को एजुकेट करो, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को एजुकेट करो, अपने डायरेक्ट सेलर को एजुकेट करो, उन्हें ई ई मीटिंग्स, ई ट्रेनिंग्स पे फोकस करो, और मुझे इतना मालूम है कि आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी, आपका प्राइस, और आने वाले समय में जो लुक, फील, क्वालिटी और प्राइस पे मैं प्रोडक्ट हम लोग तैयार कर रहे हैं वो गेम चेंजर है, और हम लोगों ने उसकी पूरी तैयारी कर ली है, तो मुझे लगता है आने वाले 2-4 दिनों में आपको देखने को वो भी मिलेंगे कि हम क्या क्या करने वाले हैं, तो
एक ही चीज़ कहूँगा, खुद पे भरोसा रखो, अपने सिस्टम पे भरोसा रखो, अपने प्रोडक्ट पे भरोसा रखो, उसके प्राइस पे भरोसा रखो और आगे बढ़ते चले जाओ। घर पे रहो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल।